What's up guys? I hope ये कहां से आ गया? चलो छोड़ो. What's up guys? I hope you are all absolutely wow. ये मेरे पीछे से टेक्स्ट कैसे जा रहा है? Did you see that? Cool यार. Say you always know, baby, but you never answer, 'cause I'm busy with the others. I hope you are all absolutely good and fine. Welcome to my channel, Only Cinematic. See something cinematic, see something new. So, पिछले वाले कम्युनिटी में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और ज़्यादा जो परसेंटेज निकला वो है वंडर्स ऑफ लिमोड़ा. बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग वंडर्स ऑफ लिमोड़ा चाहते हैं कि उसी में मैं इफेक्ट सिनेमेटिक इफेक्ट मैं दिखाऊँ कि कैसे करते हैं. तो मैं सोचो कि दोनों को निराश नहीं करूँगा बिकॉज बहुत सारे कम लोग एडोब प्रीमियर को भी चाहते हैं. तो मैं एडोब प्रीमियर के ऊपर भी इफेक्ट्स लेके आऊँगा कैसे बनाते हैं बाद में, पहले वंडर्स ऑफ फिल्मोरा में कवर करूँगा. तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अगर एंट्री लेवल में वीडियो शूट कर रहे हो तो वंडर्स ऑफ फिल्मोरा इज़ बेस्ट फॉर यू, पर आप अगर एडवांस लेवल चाहते हो तो एडोब प्रीमियर प्रो इज़ बेस्ट फॉर यू. तो आज आपने थंबनेल में देख लिया है कि मैं आज क्या इफेक्ट बनाने वाला हूँ थ्रू वंडर्स ऑफ फिल्मोरा, दैट इज़ टेक्स बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन. टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट को डालने के लिए फर्स्ट आप वंडर्स ऑफ फिल्मोरा 9 ओपन कर लेना है. वंडर्स ऑफ फिल्मोरा 9 मेरे पास 9.5 वर्सन है जो कि बेस्ट वर्सन और न्यू वर्सन. आप 9 सीरीज में कोई भी वर्सन पे कर सकते हैं ये. तो जिस वीडियो के ऊपर आप ये टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट इफेक्ट लगाना चाहते हो उस वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है. मैं मेरी तरफ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ कुछ भी वीडियो और उसको मैं टाइम लाइन में फर्स्ट डाल दूंगा. उसके बाद आपको टाइल्स में जाना है और कोई भी टाइल चूज कर लीजिए. मैं ये टाइल चूज कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करके ऊपर लेयर में डाल देना है आपको. उसके बाद टाइल के ऊपर जाके डबल क्लिक करिए और एडवांस में जाइए. मैं टाइल कोई भी टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जैसे कि इसमें टाइप करूँ लिबर्टी, LIBERTY. तो मैं फॉन्ट को भी चेंज कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ गेम प्लेट. ये हो गया, हाँ ये सही लग रहा है. और मैं फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेता हूँ, 105 कर लेता हूँ. ओके, और इटैलिक कर देता हूँ. और आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को सजा सकते हैं. मैं टेक्स्ट बॉर्डर भी देता हूँ और वो भी एक साथ के मैच करे, और टेक्स्ट शैडो भी देता हूँ. टेक्स्ट शैडो लगने से थोड़ा ये जो टेक्स्ट है वो रियल लगेगा. उसके बाद ये सब ठीक ही है. और एनिमेशन को मैं चेंज कर देता हूँ, राइट से लेफ्ट करना चाहता हूँ. आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं. तो मैं राइट लोअर को डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं ओके में क्लिक कर दूँगा. उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम वीडियो ऊपर लेयर में ड्रैग करके डाल देना है. द नेक्स्ट थिंग इज गो टू द इफेक्ट, देन यूटिलिटी एंड पुट इमेज मार्क्स, ड्रैग इट टू द अपडेटेड वीडियो. उसके बाद आपको वीडियो पे डबल क्लिक करना है और वीडियो इफेक्ट्स में जाना है. वीडियो इफेक्ट्स में बहुत सारे प्रीसेट मार्क्स रखे हुए हैं, आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब पे ये चूज करना है. मेरा ऑब्जेक्ट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली, तो मैं ऐसा ही ऑब्जेक्ट का मास्क चूज करूंगा. सो दिस परफेक्टली फिट फॉर दिस वीडियो ऑब्जेक्ट. उसके बाद आपको पहला वाला वीडियो का विजुअलिटी ऑफ कर देना है ताकि आप देख सके. उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, एक्स फॉर मूवमेंट हॉरिजॉन्टली, वाई फॉर मूवमेंट वर्टिकली, एंड विड्थ को कम करने के लिए और हाइट को कम करने के लिए. तो मैं पहले 0-0 सेट कर देता हूँ. मेरे को क्या करना है, विड्थ को कम करके पूरा ये ऑब्जेक्ट के पास में लगाना है. ठीक है, उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कीजिए. मैं विड्थ को और थोड़ा कम करूंगा ताकि रियल लगे. बस दिस इज परफेक्टली फिट फॉर मी. एंड एक्स वाई को ऊपर से कम भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, फिर भी मैं कम कर देता हूँ वाई को. ठीक है,
और हाइट को भी मैं कम कर दिया। बस दिस इज परफेक्ट। देन आपको ओके में क्लिक करना है और पहले जो वीडियो का विजुअलिटी ऑफ था वो ऑन करना है। अब आपको प्ले करना है। वाना टेक्स बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, दिस इज डन। अब अपने हिसाब से तो टाइल का ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है ड्रैग, और आप राइट क्लिक करके भी ड्यूरेशन में जाके आपका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से ड्यूरेशन सेट करता हूँ और इस वीडियो को ड्यूरेशन में एडजस्ट कर देता हूँ। दिस इज डन, योर जॉब इज डन। यू कैन सी the text behind the object is perfectly fit in this video. So आप इसी तरह से बहुत सारे वीडियो में ये इफेक्ट डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे सिनेमेटिक लुक देता है। आप किसी भी ट्रैवल वीडियो बनाई या तो मेरे ख्याल से देखिए कि आप मेरे भी बहुत सारे वीडियो में ये इफेक्ट डाला हुआ है। तो वंडरसा फिल्मोर 9 में आप इजीली टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग भी ऐसा कुछ बनाइए और सिनेमेटिक वीडियो प्रोजेक्ट में आप लोग ये यूज कीजिए। मेरे ख्याल से बहुत ही एक टाइटल इफेक्ट बोल सकते हैं या तो कुछ सिनेमैटिक इफेक्ट बोल सकते हैं जो सिनेमैटिक वीडियो में डाल के आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा एक व्यू देखने को लिए मिलता है। तो प्रीटी मच फॉर नाउ, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कुछ इफेक्ट लेके। बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल ओनली सिनेमैटिक। सी समथिंग सिनेमैटिक, सी समथिंग न्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टाटा।